हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसे डिटेल में समझने से पहले हमें ट्रांसजेनिक वर्ड को समझना पड़ेगा। ट्रांसजेनिक टर्म यूज की जाती है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि या तो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं या जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, जिनमें कि कुछ ऐसी जीन्स में मॉडिफिकेशन किया जाता है जो कि एज पर द रिक्वायरमेंट सूटेबल रहता है। ये कोई माइक्रोब भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, बट बेसिकली इस वीडियो में हम ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। ये वो एनिमल्स होते हैं जिनका जीनोम मॉडिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि ह्यूमन की एक एंटी थ्रोम्बिन जीन है, उसको एक शीप के फर्टिलाइज जायगोट में डाला गया, इंट्रोड्यूस कराया गया, और उससे जो ट्रांसजेनिक शीप तैयार हुआ उसमें इस एंटी थ्रोम्बिन जीन का प्रेजेंस अवेलेबल था। तो जो भी क्वालिटीज या जो भी रिक्वायरमेंट्स या जो भी स्पेशलिटीज इस चीज में अवेलेबल थी वो हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा दी। तो इस तरीके से हमें दोनों का बेनिफिट एक में मिल गया। ये एक बेसिक प्रोसेस है। इसमें कोई भी फॉरेन जीन को इंसर्ट किया जाता है जीनोम में एनिमल के, उसका डीएनए ऑल्टर कर किया जाता है। इस मेथड से जो जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं उस टारगेट एनिमल के वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें एज पर दी रिक्वायरमेंट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो हमें रिक्वायर्ड बेनिफिट या रिक्वायर्ड रिजल्ट इसमें हमें अटेन हो जाता है। अब इसमें एक टर्म काफी बार एग्जाम में आती है, व्हाट इज ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस एक प्रॉपर पूरा फिनोमेना है जिसमें फॉरेन जीन को डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है टारगेट एनिमल के जीनोम में। तो इस पूरी फिनोमेना को ट्रांसजेनेसिस बोला जाता है। फॉरेन जीन जिसे इंट्रोड्यूस करते हैं उसे ट्रांस जीन कहते हैं, और एनिमल जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ है या जिसका जीन ऑल्टर हुआ है वो ट्रांसजेनिक एनिमल बन जाता है। थोड़ा सा और बेसिक समझने के लिए एक बार एक थ्री पिक्टोरियल्स में हम से क्लब कर सकते हैं, इतना लंबा ना बनाना चाहे तो। यहाँ पे जीन ऑफ चॉइस को मैनिपुलेट किया गया है, प्रिपेयर किया गया है लैब में, ट्रांसजीन इंसर्ट किया गया है एग में एनिमल के, उसके बाद उस एग को इम्प्लांट किया गया है सरोगेट में, फाइनली जो रिजल्ट अटेन हुआ है वो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट उस बेसिस पे आया है। अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्रिएट करने के क्या क्या तरीके हैं, इसके इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे कि फिजिकल ट्रांसफेक्शन, दूसरा है केमिकल ट्रांसफेक्शन, तीसरा है रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, चौथा है वायरल वेक्टर्स और पांचवा है बैक्टेरोवेक्शन। फिजिकल ट्रांसफर में तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है प्रो न्यूक्लियस में, जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसका। ये बहुत ही पहला मेथड है जो कि इफेक्टिवली यूज किया जाता है अलग अलग स्पीशीज में। बाकी ट्रांसफेक्शन के कुछ एग्जाम्पल बन जाते हैं आपका अल्ट्रासाउंड का, इलेक्ट्रोपोरेशन, वो सब मेथड इसमें बनते हैं। अगला है इलेक्ट्रो केमिकल ट्रांसफेक्शन। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है वो होती है जिसमें कि जो इसमें जो टारगेट डीएनए है उसे लिया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट की प्रेजेंस से, और डीएनए प्लस कैल्शियम फॉस्फेट को प्रेसिपिटेट करते हैं जो कि फैसिलिटेट करता है फिर आगे डीएनए की अपटेक को। इससे एबिलिटी इंप्रूव होती है और एक ट्रांसफेक्शन जो होगा वो प्रोसेस थोड़ा सा फैसिलिटेट हो जाता है। तीसरा है रेट्रोवायरस मीडिएटेड। इसमें जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट होती है उसे ट्रांसफर किया जाता है यूटिलाइज करके वेक्टर, बिकॉज रेट्रोवायरस को इन्फेक्ट किया जाता है प्रॉपरली होस्ट सेल में तो उसे एज अ वेक्टर यूज किया जाता है। वायरल वेक्टर में कुछ नहीं, वायरल ये वायरसेस का यूज किया जाता है ट्रांसफर करने के लिए आरडीएनए को एनिमल सेल में, और बैक्टीरियोफेक्शन जो है इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जाता है टारगेट जीन में बैक्टीरिया की हेल्प से, पूरे प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल को क्रिएट करने के लिए। अब ट्रांसजेनिक एनिमल की एक बार थोड़ी सी और डिटेल समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि डीएनए इसका मैनिपुलेट हुआ है प्रोसेस करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए एक्स्ट्रा या फिर कोई फॉरेन जीन। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स का नाम हमने सुना है, ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप्स, काउ, फिश, ये बनाए गए हैं। ऑल्दो ओवर 95% जो बनाए जाते हैं वो माइस या माउस पे ट्रायल्स किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था पहले, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अपनी मेमोरी। ह्यूमन जीन को एग डोनर यहाँ से हमने लिया, इसमें हमने माइक्रो इंजेक्शन से ह्यूमन जीन
इंसर्ट किया, डेवलप किया विद इन होस्ट गोट, उसके बाद हमारे पास ट्रांसजेनिक गोट तैयार हो गया, ट्रांसजेनिक उसका मिल्क तैयार हो गया। इसी तरीके से माउस में किस तरीके से ट्रायल्स होते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक माउस की स्पीशीज अवेलेबल है, हमने ये वाला जीन इसमें इंसर्ट किया जिससे कि इसमें कलर इस तरीके से आने लगा, फिर वो कलर्ड माउस की प्रोजेनी ने फिर से आगे प्रोजेनीज करने के लिए एक प्लेन बिना कलर वाले माउस के साथ आगे प्रोजेनीज करी, तो उसमें इसके कलर की वजह से प्रोसेस हुआ कि पूरा कलर्ड इसमें आ गया। तो जब इनके प्रोजेनी आई नीचे, तो उसमें आपको होमोजाइगस मतलब कि सिमिलर ट्रेट, होमोजाइगस ट्रांसजेनिक एंड हेट्रोजाइगस ट्रांसजेनिक आपको इसमें मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस रहता है। ट्रांसजेनिक माइस की प्रोडक्शन का प्रोसेस अगर हमें समझना है तो कैसे समझेंगे, ये दो थे पेरेंट माउस, एम्ब्रायोज का डोनर लिया गया, एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स को यहाँ पे हमने इनर सेल मास इसका यहाँ पे है, ट्रोफोब्लास्टस लेयर को बोलते हैं, हमने इसकी कल्चरिंग करी एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स की, फिर हमने उनको मिक्स किया क्लोन जीन के साथ, उस तरीके से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट रेडी कर लिया, उसके बाद उस सिस्टमेटिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने इंसर्ट किया अपने जो भी रिक्वायर्ड हमारा प्रोजेनी थी उसमें हमने इसे इंसर्ट किया, फिर आगे आने वाली जो प्रोजेनी उसकी आएंगी वो यहाँ आप देख सकते हैं, ऑब्टेनिंग द स्टेम सेल फ्रॉम द एम्ब्रायो, उसके बाद हमने उसको होस्ट में डाला, उसके बाद उसमें चेंजेस आए, चेंजेस आने के बाद हमारे पास शिमेरिक ब्रीड्स अवेलेबल हो गई। तो इस तरीके से फुल प्रोसेस इसका चला है। एग्जाम्पल्स की बात करें ट्रांसजेनिक एनिमल में, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था फिश में हो चुका है, ट्रांसजेनिक सैल्मन तैयार की गई थी, ट्रांसजेनिक चिकन है, ट्रांसजेनिक रैबिट है, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मिंग की जाती है, ट्रांसजेनिक काउ पहला जो थी उसका नाम रोजी था, ट्रांसजेनिक शीप वेरी पॉपुलर नेम डॉली, ट्रांसजेनिक माउस तो ये मोस्टली ट्रायल्स के लिए यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने थोड़ा इनके बारे में समझा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। इससे केमिकल्स की सेफ्टी टेस्टिंग की जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग टेस्टिंग की जाती है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग की जाती है, वैक्सीन सेफ्टी जैसे कि पोलियो या वैक्सीन जैसी वैक्सीन है उसको माउस पे ही ट्राई किया गया था, स्टडी डिजीजेस कोई भी अगर हमें डिजीज स्टडी करनी, कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अल्जाइमर्स है, कोई भी बीमारी है जो कि कोई भी किसी भी टाइप की डिजीज है उसको स्टडी करने के लिए हमें लॉन्ग लाइफ साइकिल्स चाहिए, छोटी लाइफ साइकिल्स के लॉन्ग ड्यूरेशन हमें चाहिए ताकि हम उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी चीजों को समझते हुए ट्रायल कर सके, तो उसके लिए भी इन्हें यूज किया जाता है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को समझने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जैसे कि ह्यूमन एंड्रेस्ट है, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जब हमने तैयार किया था मिल्क जिसमें ये अवेलेबल था, पहली ट्रांसजेनिक काउ जो रोजी प्रोड्यूस की गई थी उसमें ह्यूमन का प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क था, इसे ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन बोलते हैं, तो वो सब चीजें भी तैयार करने के लिए, ट्रायल्स करने के लिए हमें एनिमल्स की जरूरत होती है बिकॉज उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है ताकि उनकी लाइफ साइकिल का पीरियड हम स्टडी कर सके, तो उन सभी स्टडीज के लिए इन्हें फैसिलिटेट किया जाता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।